दोस्तों आज मैंने आपके सामने टॉप थ्री मास गेनर सेलेक्ट किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट में टॉप थ्री हैं? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कम प्राइस में टॉप थ्री हैं ये? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड वैल्यू में टॉप थ्री हैं ये? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, सप्लीमेंट खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की रहने वाली है उनके लिए जो मास गेनर लेना चाहते हैं। दोस्तों आज मैंने आपके सामने टॉप थ्री मास गेनर सेलेक्ट किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट में टॉप थ्री हैं? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कम प्राइस में टॉप थ्री हैं ये? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड वैल्यू में टॉप थ्री हैं ये? नहीं। वैसे ब्रांड वैल्यू में टॉप थ्री हैं, बट उस पर्पज से मैंने सेलेक्ट नहीं किए हैं ये। दोस्तों मैंने ये सिलेक्ट किए हैं टॉप थ्री मास गेनर जिनकी कॉपी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैंने सिलेक्ट कैसे किया है? दोस्तों आप व्हाट्सएप पे काफ़ी बार मेरे को मैसेज भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं कि सर आप ये बताइए कि मास गेनर असली है नकली है इस टाइप में। तो आपके मैसेजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तीन मास गेनर सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं, और दोस्तों जिनकी कॉपी मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है, और आपको सावधान होना पड़ेगा फेक माफिया से। तो यहाँ पर आज हमारे पास है RC किंग मास, दूसरे पे है लबराडा मसल मास गेनर, तीसरे पे हमारे पास डायमेटाइज सुपर मास गेनर। ये तीनों ही बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हैं इंपोर्टेड ब्रांड्स में, और दोस्तों बहुत ही डिमांड में रहने वाली हैं। दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जिसका जितना नाम होता है ना, फेक माफिया उसे उतना ही बदनाम करने पर तुल जाता है और उसकी कॉपी मार्केट में उतारने लगता है, और दोस्तों फिर होता है आपकी सेहत को नुकसान और आपको साइड इफेक्ट्स। दोस्तों हमारे चैनल का गोल है ना सिर्फ आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना, बल्कि आपको फेक माफिया से बचाना, आपको एक एक इंफॉर्मेशन देना रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट, कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RC किंग मास के बारे में। दोस्तों RC किंग मास तीनों में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है, और मैं अगर कहूँ तो कुछ सालों में, मतलब एक दो साल में RC ने बहुत ही अच्छा नाम कमाया है मास गेनिंग अगर सप्लीमेंट की हम बात करें। दोस्तों RC किंग मास जब आप परचेज करेंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है इंपोर्टर टैग। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इंपोर्टर कौन है इसके। तो RC किंग मास जब भी आप ओरिजिनल लेंगे तो आपको GMC का टैग देखना है, क्योंकि GMC इसके ऑथराइज इंपोर्टर हैं। जैसे यहाँ पर जो है GMC वालों का इस टैग के ऊपर स्क्रैच कोड, इसके जो है बार कोड, MRP, ऑफिस एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये ही RC के जो है ऑथराइज इंपोर्टर हैं। इसके अलावा अरीना भी जो है RC के इंपोर्टर हैं ऑथराइज, बट उनका स्टॉक जो है अभी मार्केट में इतना नहीं है। GMC का स्टॉक पूरा है और सप्लीमेंट विला के पास भी इसका स्टॉक पूरा है दोस्तों, बट फेक सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप प्राइस को देखकर काफ़ी बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार इतने प्राइस का जो है यहाँ पर मिल रहा है और इससे इतने कम प्राइस में जो है वहाँ मिल रहा है, हज़ार हज़ार डेढ़ डेढ़ दो दो हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को दिमाग में बैठाएं कि इतना डिफरेंस ओरिजिनल और फेक सप्लीमेंट्स में ही हो सकता है। ओरिजिनल टू ओरिजिनल सप्लीमेंट्स में कभी इतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सप्लीमेंट विला पर हमेशा बेस्ट प्राइजेस मिलेंगे। तो आपको जो है GMC का इंपोर्टर टैग, GMC वालों का होलोग्राम जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा आपको पैकिंग की क्वालिटी, दोस्तों जो RC किंग मास है उसकी जो ओरिजिनल पैकिंग है वो ये है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कोई भी इसके ऊपर रॉनी कोलमैन का कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये पैकिंग अपडेट हो चुकी है और काफ़ी टाइम हो गया इसको अपडेट हुए, तो ये है। और ये 3D जो है इस लुक में जो है इसकी पैकिंग है, अगर आप देखेंगे तो इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो अक्षर लिखे हुए हैं उसमें जो है, जो कह सकते हैं बॉर्डर जो है, आउटलाइन जो है, वो ऐसे इस टाइप में गोल्डन कलर की हैं, गोल्डन 3D कलर की, तो ये आपको नोटिस करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो सील है, सील देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है, और सील के ऊपर जो है RC रॉनी कोलमैन सिग्नेचर सीरीज ये लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्सपायरी भी चेक करनी है कि एक्सपायरी क्या है। जैसे अगर मैं इसकी एक्सपायरी की बात करूँ तो मई 2021, मतलब लॉन्ग एक्सपायरी है इसकी, तो ये भी आपको चेक करना है। तो ये हो गया है आपका मेन पॉइंट जो कि आपको RC पे चेक करना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लबराडा मसल मास गेनर की, जो कि मैं कहूँगा कि सेकंड नंबर पे जो है मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट पॉपुलर मास गेनर है, तो इसके जो ऑथराइज इंपोर्टर हैं वो है MPN। तो MPN का ये वाला टैग होना चाहिए 6 LBS पैकिंग पर। मैंने वैसे आपको
डिफरेंस बताया हुआ है कि 6 और 6.6 में क्या डिफरेंस है, तो 6 LVS की कॉपी मार्केट में सबसे ज्यादा है दोस्तों। तो ये लंबा वाला एमपीएन का टैग और जो 6.6 है उसके ऊपर एमपीएन का टैग होता है बट छोटा वाला, तो ये वाला टैग देखना है। एमपीएन की पूरी डिटेल दी हुई है इस पे, तो आप जो है पूरा वेरीफाई कीजिए इसे। देन उसके बाद में दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये ली लबराडा है इनकी पिक्चर आपको मिलेगी, ये पिक्चर मिलेगी, और ये पिक्चर दोस्तों अगर आप क्वालिटी वाइज देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो फेक जो मास गेनर चल रहे हैं लबराडा के उस पे ये जो पिक्चर है आपको ऐसा लगेगा जैसे लाइक जैसे फोटो कॉपी होती है ना इस टाइप में, तो वो पिक्चर आपको पहचानने में आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूरी क्लियर लुक आ रही है इस पिक्चर की, और ये सिग्नेचर जो है आप पहचान ले, इस टाइप में पूरे सिग्नेचर होने चाहिए और ये बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जब भी आप लबराडा मसल मास गेनर लेंगे। इसके अलावा जो है सेम चीज़ आपको जो है लॉट नंबर वगैरह सब कुछ देखना है, एक्सपायरी क्या है। जैसे इसकी एक्सपायरी की बात करें तो इसकी एक्सपायरी है 9/2021, तो मतलब ये भी जो है पूरा जो है लंबी एक्सपायरी का है, फ्रेश लॉट है। तो ये आपको जो है लबराडा मसल मास गेनर में ध्यान रखना है। और सील के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है आपको क्वालिटी गारंटी, इफ इट्स ऑन द लेबल इट्स इन द बोतल, ये यहां पर लिखा हुआ है। ये चीज आपको, ये सील देखनी है आपको। और इसकी सील जो है दोस्तों कैप के जो है आप देख रहे हैं कि यहां बॉर्डर से नीचे नीचे रहती है, कभी कैप के ऊपर नहीं होगी। 6 LVS पैकिंग की यहां पर जो है नीचे नीचे है ये सील, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल लबराडा, ये है ओरिजिनल लबराडा। और तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों हमारे पास डायमेटाइज, जिसकी कॉपी मार्केट में मैं कहूंगा कि काफी चल रही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज, डायमेटाइज के ऑथराइज इंपोर्टर GMC ओनली ऑथराइज इंपोर्टर है डायमेटाइज के, ये आपको ध्यान रखना है। ये टैग लगा हुआ है GMC का, वही इसके ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये चीज आपको जरूर नोटिस करनी है, पढ़नी है अच्छे से। देन उसके बाद में दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो डायमेटाइज सुपरमास गेनर है उसकी जो सील है वो कंप्लीट सील होती है। मतलब जैसे अगर हम देखें लबराडा की, तो लबराडा में जो सील है वो कैप के ऊपर है ओनली, आप यहां देख रहे हैं। अगर हम यहां देखें RC में तो कैप के ऊपर है, बट डायमेटाइज में जो सील होती है वो कंप्लीट सील होती है। ये पूरा ही जो है सील ऊपर तक आ रहा है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहां से ब्रेक होगी। ये मतलब आप कह सकते हैं इसकी पैकिंग इस तरीके से की गई है कि ये पूरे बॉक्स पर एक ही पैकिंग है, मतलब इसमें बीच में कट नहीं है लाइक जैसे RC और लबराडा में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फेक जो सप्लीमेंट है उसमें आपको यहाँ कट मिलेगा, तो ध्यान रखें आप दोस्तों ये चीज। और इसके अलावा जो है आप इसकी एक्सपायरी वगैरह चेक करें। जैसे अगर मैं इसकी एक्सपायरी की बात करता हूं तो दोस्तों इसकी एक्सपायरी है 6/2021, तो लंबी एक्सपायरी है। और दोस्तों इसके अलावा जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो चॉकलेट फ्लेवर होगा या जो भी फ्लेवर होगा उसकी उसकी यहां पर जो है पिक्चर जरूर होगी, और ये पिक्चर भी काफी फाइन होगी। और अगर हम यहां देखें डायमेटाइज में, तो दोस्तों यहां पर जो आपको जो पैकिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी ये ग्लोसी, मतलब थोड़ी चमकीली टाइप की पैकिंग मिलेगी, लाइक जैसे हमको लबराडा में जो है थोड़ी चमक नहीं मिल रही है, यहां पर हमको थोड़ी चमकीली पैकिंग मिलेगी, ग्लोसी जिसे कहते हैं, इसमें जो शाइनिंग आ रही है ये वाली पैकिंग आपको यहां पर मिलेगी। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो डायमेटाइज सुपरमास गेनर के ऊपर जो है आपको GMC का 3D लोगो, GMC के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो GMC इंपोर्ट करते हैं तो उनका तो जो लोगो आपको देखना है 3D लोगो जिसके भी GMC का टैग होगा। तो ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है फेक डायमेटाइज, फेक लबराडा और फेक RC से बच जाएंगे। ये तो आपने चेक कर लिया। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ जाती है, GST बिल। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी कोई सप्लीमेंट लेंगे तो GST बिल जरूर लेंगे। दोस्तों GST बिल, जैसे सप्लीमेंट मिलाकर GST बिल है, और GST बिल भी होता कैसा है, सप्लीमेंट मिलाकर FSS लाइसेंस नंबर, GST नंबर, इसके ऊपर जो है स्टैम्प सिग्नेचर, सारी चीज़ें मेंशन है। GST बिल लेने का क्या फ़ायदा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें कि ये इंपोर्टेड ब्रांड है, बाहर से इंपोर्टेड है, तो सारे ड्यूटी टैक्सेस वगैरह सब इन पे है, तो GST के बिना तो ये आपको मिल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि GST बिल आपके हाथ में एक लीगल एक्शन लेने का एक प्रूफ है। दोस्तों कल को आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपके मन में डाउट आ जाता है यार कि मेरे को जो है इसका लैब टेस्ट कराना है, तो आप लैब टेस्ट करा सकते हैं, उस GST बिल के बेस पर आप कंप्लेंट जो है रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको ही पता है कि लीगल एक्शन ले सकते हैं GST बिल के बेस पे। तो दोस्तों आपको GST बिल जरूर लेना है, फेक माफिया से बहुत सावधान रहना है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि GST बिल के साथ भी आपको फेक सप्लीमेंट्स कैसे मिल सकते हैं, उसकी पहचान कैसे करेंगे आप। तो दोस्तों उसके लिए आप जो है वो वीडियो देखें, थंबनेल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखेंगे, वो अलग पार्ट हो गया। बट अभी आपको जो है बेस अपना क्लियर करके चलना है कि इंपोर्टर्स का आपको पता होना चाहिए कौन इंपोर्टर चल रहा है, उनका टैग, उनकी सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है, स्क्रैच कोड आपको जो है, पैकिंग जो मैंने बताई है, जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं।
दूसरी आपको एक्सपायरी ध्यान रखनी है, तीसरी आपको जो है जीएसटी बिल को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हमको लेना ही लेना है। दोस्तों अगर आप ये सारे स्टेप्स लेंगे तो फेक माफिया हारेगा और हम सब जीतेंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर हम ऐसे ही अनअवेयर होके अनजान होके सप्लीमेंट खरीदते रहेंगे तो हमारी सेहत को नुकसान होता रहेगा और ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है बदनाम होती रहेगी, फेक माफिया पैसा कमाता रहेगा और दोस्तों आपकी सेहत को नुकसान होगा और उसका विश्वास टूटेगा। देन आप चारों को बोलोगे कि यार सप्लीमेंट बेकार होते हैं, असली तो मिल ही नहीं सकता। मेरे पास काफ़ी बार जब क्वेश्चन आता है वो लोग कहते हैं कि सर इंडिया में तो असली मिल ही नहीं सकता। दोस्तों ऐसा नहीं है, सप्लीमेंट विला जो है इसी जो है मुहिम में लगा हुआ है कि आप तक ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हम प्रोवाइड करा सकें और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दे सकें, छोटी से छोटी अपडेशन आती है हम आपको बता सकें अपने इस यूट्यूब के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, सारे जो सोशल नेटवर्क की प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से आपको बता सकें। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मेरी आपको गाइड करने के लिए ताकि आप जान सकें पहचान सकें फेक सप्लीमेंट्स को कैसे आप बीट कर पाएंगे और ओरिजिनल सप्लीमेंट कैसे खरीदेंगे। बाकी दोस्तों तीनों ही दी बेस्ट हैं मास गेनिंग के लिए और तीनों ही ओरिजिनल विद जीएसटी बिल करंट प्रोडक्ट फ्रेश लॉट के साथ अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे सप्लीमेंट विला पर। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, कॉल कीजिए व्हाट्सएप कीजिए इनका ऑर्डर डालने के लिए। इनके बारे में कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी काम की लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको अपडेट रखेंगी, अवेयर रखेंगी मार्केट में अवेलेबल हर एक सप्लीमेंट से। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।